चार राज्यों में हार के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति में इस तरह के परिणाम आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम परिणाम को स्वीकार करते हैं, लड़ाई अभी लंबी है। वहीं कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि एमपी में गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई थी, उनकी परिस्थितियां अलग थी। ईवीएम को लेकर उठ रहे सवाल पर बोले अखिलेश कि हमारे लैपटॉप अभी चल रहे हैं, हमको जापान और अमेरिका से सबक सीखना चाहिए, वहां एक महीने तक काउंटिंग होती है। राज सिंह जी को और जो नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, साथ ही उनके संगठन के सभी पदाधिकारियों का और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता जो यहां पर हमारे पास हैं और जो यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, दूर सड़क या जहां तक आवाज़ पहुंच रही है, समाजवादी साथी। मैं सबसे पहले नेशनल इक्वल पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी को और उनके सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक नया दल, नया संगठन लोगों को जोड़ने के लिए और जिन परिस्थितियों में आज देश की राजनीति जा रही है, उस राजनीति को मैं मुकाबला करने के लिए, उन ताकतों का मुकाबला करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें संविधान दिया जिसके तहत आम लोगों को हक और सम्मान मिला, अधिकार मिले, उनको बचाने के लिए नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चल करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने को पूरा करने के लिए, और जैसा कि नाम में ही है नेशनल इक्वल पार्टी, तो अगर जो सबको बराबरी की बात करे, सबको साथ लाने का काम करे, सबके बीच में भेदभाव खत्म करने की बात कहे, वो वही असली सबका साथ है। सबका साथ तभी है जब आप इक्वल हो। अगर असमानताएं रहेंगी तो बराबरी कैसी? सबका साथ, सबका विकास तभी संभव है जब सब में बराबरी हो, और बराबरी के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेताजी और तमाम समय समय पर महापुरुष, राजनेता, साधु संत लगातार इसी प्रयास में रहे, जहां राजनीति की धारा में समाजवादियों का और समाजवाद यही है कि प्रॉस्पेरिटी हो, संपन्न हो लोग और बराबरी हो। उस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद।